खबरें कई तरह की होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ खबरें होती हैं जरा हटके। आपके लिए ऐसी ही कुछ खबरें लेकर आए हैं हम। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम से आई एक खबर से। यहाँ पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, पिता के अंतिम यात्रा और कंधा देती 12 बेटियाँ। देखिए इन 12 बेटियों को परंपराओं को तोड़ते हुए अपने दिवंगत पिता की अर्थी को कंधा दे रही हैं। इन बेटियों ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी की। पिता की इच्छा थी कि उन्हें कंधा उनकी बेटियां ही दे। बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा ही नहीं बल्कि उन्हें मुखाग्नि भी दी। वाशिम जिले के शेंदुरजना गांव में 92 साल के बुजुर्ग सखाराम गणपत राव का निधन हुआ। उनका कोई भी बेटा नहीं था, इसलिए बेटियों ने ही अंतिम संस्कार किया। बेटियों ने दिखा दिया कि वो भी बेटों से कम नहीं है। दूसरी खबर पंजाब के संगरूर से है। पंजाब के संगरूर में जो हुआ वो बेहद अजीबोगरीब है। पड़ोसी का कबूतर नहीं लौटने की कीमत एक आदमी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। घर के चौबारे पर आए कबूतर को वापस नहीं लौटाने पर रणबीर नाम के एक आदमी को गांव के 3 लोगों ने तेज धार हथियार से मार डाला। तीसरी खबर है चीन से। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही लोगों के काम धंधों पर बुरा असर डाला है। लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए, लेकिन भ्रष्ट लोगों ने खाना नहीं छोड़ा बल्कि इस दौरान उन्होंने और भी ज्यादा खाया। ऐसे में चीन से 2000 करोड़ रुपए की घूस लेने का मामला सामने आया है। चीन की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक के पूर्व चेयरमैन लाई शियाओमिन को 2008 से 18 के दौरान 2000 करोड़ की रिश्वत लेने के साथ और 2 शादियों को लेकर फांसी की सजा दी गई है। शियाओमिन ने रिश्वत लेने की बात भी कबूल की है। न्यूज़ तक ब्यूरो।